रात करीब 2 बजे गुप्ती धाम सागर गन्नौर जीटी रोड, इसमें एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष बताई जा रही है, जिसे सन ऑफ दशरथ जाति प्रजापत जाना जाता था, जो कि मध्य प्रदेश का रहने वाला था, इस पर अज्ञात बदमाशों द्वारा हमला कर दिया गया। इस हमले में उसकी मृत्यु हो गई। देवेंद्र अनाथ व गरीब बच्चों के लिए खाना बनाने का काम करता था। वह लगभग 1.5-2 साल से यहाँ पर रह रहा था। दूसरे गार्ड संजीव को मुंह व हाथ पैर से बांधकर उसके सामने ही देवेंद्र को 4 अज्ञात हमलावरों ने कई चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। ज़्यादा खून बह जाने के कारण सिविल हॉस्पिटल गन्नौर में उसकी मृत्यु हो गई। स्थानीय पुलिस द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अर्थ प्रकाश के लिए सुरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अर्थ प्रकाश के लिए गन्नौर से सुरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। धाम के अंदर कोई चोर घुस गया है, तो उसके बाद मैं और मेरा बेटा सुबोध, हम दोनों सोनीपत से चले और 1:20 पर यहाँ गुप्ती धाम में पहुँच गए। हमें पता लगा कि भाई एक आदमी को, 5 आदमी मंदिर में, इसमें एक आदमी को उन्होंने चक्कू मारा है और उसको सिविल हॉस्पिटल गन्नौर में लेके गए हैं। सिविल हॉस्पिटल गन्नौर के बाद यहाँ पता लगा कि उस आदमी की वहाँ पहुँचने से पहले ही मृत्यु हो गई है। ये वारदात मंदिर के इस प्रांगण में 3री बार हो रही है। पहली बार भी चोर जो है मंदिर में इस प्रकार घुसने की कोशिश कर चुके हैं। एक बार मंदिर जी के अंदर उन्होंने चोरी करने की कोशिश की, हमारे जो दान पात्र थे उनमें कुछ पैसे उन्होंने वैसे निकाले, काले नींद से टूटे, मंदिर के ताले तोड़ के अंदर गए थे। पहली वारदात संत निवास है, जो महाराज श्री निवास करते हैं, उसके अंदर भी घुसे, लेकिन उस दिन भी वो जो ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाए। हमने प्रशासन से, हमने सबसे ये निवेदन किया है कि भाई यहाँ पर पुलिस की जो अरेंजमेंट किया जाए, पुलिस की 2 पुलिस वाले दिया जाए, क्योंकि जो गार्ड या चौकीदार है उनसे उनकी जो चोर हैं वो कोई परवाह नहीं करते, क्योंकि जो हमारे यहाँ महाराज श्री विराजमान हैं गुप्ती सागर जी, राष्ट्र संत हैं, वो एक बहुत ही हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य हैं। उनका जीवन हमारे लिए अपनी जान से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और चोरों के हौसले आजकल इतने बुलंद हो गए वो किसी भी प्रकार की हानि पहुँचा सकते थे। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।